हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे जय हिंद जय भारत सबसे पहले कंफर्म कर दें कि वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है वॉइस वगैरह की कोई दिक्कत तो नहीं है क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बार ये कंफर्म कर दें कि क्या आपको वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है वॉइस वगैरह का कोई दिक्कत तो नहीं है गुड इवनिंग प्रभात विकास हर्ष दिव्यांशु सुदेश विवेक मनीष गुड इवनिंग गुड इवनिंग महारथियो अभिषेक वलबीर यस, नवनीत आजाद सब कुछ क्लियर है ना चलिए रविकांत आजाद हेमकांत का, हेम गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू ललित आशीष अभिषेक राजन अनिल तो फिलहाल अभी आप इस क्लास को YouTube पर भी देख पा रहे हैं और फिलहाल अभी आप इसे कैरविल ऐप पर भी देख पा रहे हैं दोनों ही जगह आप देख सकते हैं महाकाल रोहित अभिषेक गौतम कशिश मनीष अमन विशाल गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बिजेंद्र रोहित गुड इवनिंग महारथियो सिद्धार्थ सबसे पहले देखिए ध्यान से देखिएगा जैसा कि आपको आप सभी को पता है कि आपका एयरफोर्स का बैच स्टार्ट हो चुका है और फिलहाल एयरफोर्स और नेवी का जो बैच आपका स्टार्ट हुआ है उस बैच में आपका जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है जैसे कि एयरफोर्स बाई ग्रुप का जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है आपका उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होगा जिन बच्चों को नहीं पता है वो बच्चे ध्यान दें ये बैच आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है कल से ही स्टार्ट हो चुका है और यानी कि 10 अगस्त से ठीक है ये टेंथ अगस्त से आपका बैच क्या हो चुका है स्टार्ट हो चुका है इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आपके स्टार्ट है एट्थ अगस्त ठीक है और इसमें जो आपकी फैकल्टीज हैं आप समझ सकते हैं कि जी में अभिषेक सर अभिषेक सर और उनकी टीम जो भी आप सब जानते हैं बहुत ही अच्छे से और रीजनिंग में आपका अरुण सर हैं इंग्लिश में भी अरुण गौतम सर हैं और मैथ्स में नॉन टेक्निकल मैथ्स हम पढ़ाएंगे और टेक्निकल जो मैथ्स है वो आपको जैसे ये तो नॉन टेक्निकल वाला बैच है लेकिन इसमें एक्स ग्रुप वाले में जो टेक्निकल मैथ है उसमें आपको नीरज सर पढ़ाएंगे ठीक <coughs> है तो चलिए फिलहाल ध्यान दीजिएगा सबसे पहले आपका ये बैच स्टार्ट करने से पहले आपके 5 से 10 मिनट लेंगे और जो बच्चे जो बच्चे आपका एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली ध्यान दें कि आपका मैथ्स का सिलेबस क्या है क्योंकि सबसे पहले पढ़ने से पहले किसी भी एग्जाम के लिए अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं आपका सिलेबस जो हम आपको डिस्कस करेंगे और आपका मैथ्स का जो सिलेबस है वो आपके सामने स्क्रीन पर है आप सभी इसे देख सकते हैं और आपके बैच में इसकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी तो आपको नोट करने की इसे कोई जरूरत नहीं है ठीक है सबसे पहले देखिए सबसे पहली कंडीशन आपका जो मैथ्स है मैथ्स है उसमें सबसे पहले जैसे अर्थमेटिक वाला पार्ट होता है क्या होता है महारथियों हो? अर्थमैटिक वाला पार्ट होता है और अर्थमेटिक का जो पार्ट है उसे हम नॉर्मली थ्री टू फोर टाइप्स में डिस्कस करेंगे जिस सबसे पहला पार्ट ध्यान दीजिएगा ये आपके तीन टॉपिक्स ये जो थ्री टॉपिक्स हैं पहले तीन टॉपिक्स ये आपका अर्थमेटिक का पहला पार्ट है सबसे पहले देखिएगा और इन तीन टॉपिक्स में आपके क्या क्या आते हैं रेशियो चाहो तो नोट भी कर सकते हैं इसकी पीडीएफ भी आपको आपका जहां बैच है वहां पर अपलोड हो जाएगी रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात दूसरा टॉपिक आपका एवरेज और एज ये आपके तीन टॉपिक हैं, रेशियो एवरेज एज ये तीनों ही टॉपिक आपके नॉर्मली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं तो इन तीनों टॉपिक्स को हम एक साथ डिस्कस करेंगे दूसरा आपका जो अर्थमेटिक का मेन पार्ट है दूसरा जो मेन पार्ट है उस मेन पार्ट में आपका आता है ध्यान दीजिएगा ये देखिए जो बच्चे नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और नहीं तो आपको पीडीएफ तो इसकी मिल ही जाएगी ठीक है तो दूसरा जो पार्ट है आपका अर्थमेटिक का इसमें आपका परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस और, और इंटरेस्ट परसेंटेज मतलब प्रतिशत प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि इंटरेस्ट में आपका ब्याज आता है और हम सभी बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि जो ब्याज होता है वो दो तरीके का होता है एक आपका सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्र वृद्धि ब्याज, तो दोनों ही आपको इसमें कंटिन्यू ठीक है किए जाएंगे नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट तीसरा जो पार्ट आता है आपका अर्थमेटिक का इसमें आपका आता है ये दो तीन टॉपिक्स ये देखिए एक तो आपका हो गया टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और एक आपका हो गया ट्रेन ट्रेन मतलब की रेलगाड़ी कि एक टॉपिक आपका समय दूरी और चाल और दूसरा टॉपिक आपका रेलगाड़ी दोनों ही टॉपिक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड हैं तो दोनों ही टॉपिक्स को हम एक साथ डिस्कस करेंगे जिनको हम एक बॉक्स में लिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक्स आपके एक जैसे हैं और क्योंकि टॉपिक एक जैसे हैं तो इन टॉपिक्स को एक साथ डिस्कस किया जाएगा ठीक है नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो आता है टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम यानी कि समय और कार्य और पाइप और टंकी समय और कार्य और पाइप और टंकी टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम यानी कि समय और कार्य और पाइप और टंकी ठीक है ये आपका चौथा पार्ट हुआ इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें कुछ अलग से टॉपिक्स आपके होते हैं जिसमें एक तो आपका हो गया सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन और एक आपका एच सी एफ एंड एलसीए सिंप्लीफिकेशन और एच सी एफ एंड एल सी एनि सरलीकरण सरलीकरण और लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक ये आपके दो टॉपिक हैं और इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है प्रोबेबिलिटी बेसिक ट्रिगोनोमेट्री और बेसिक मैंसुरेशन यहाँ स्पेशली यहाँ स्पेशली ये मेंशन है कि बेसिक ट्रिगोनोमेट्री बेसिक मैंसुरेशन यानी कि यहाँ पर आपको जो पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री में और मैंसुरेशन में इसमें आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है यानी कि क्योंकि एयरफोर्स बाई ग्रुप का जो एग्ज़ाम होता है वो मैथ्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो इनमें आपको बहुत डेफ्त में नहीं पढ़ना है आपको बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही सेलेक्टेड पढ़ना है ठीक है तो ये आपका सिलेबस है जो बच्चे नोट करना चाहें वो बच्चे नोट कर सकते हैं सर बैंक की बैच कब स्टार्ट होगी बैंक का भी बीओडी आया हुआ है रिकॉर्डेड क्लास का अगर कोई बच्चा लेना चाहता है तो ले सकता है एक बच्चा मैथ्स स्पेशल कब आएगा मैथ्स स्पेशल आपका आ चुका है अभी उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है अगर किसी को लेना है तो ले सकता है ध्यान से देखिएगा हाँ ये जो मैथ्स का सिलेबस है ये वाई ग्रुप का है ठीक है ये एयरफोर्स वाई ग्रुप और नेवी का जो एग्जाम होता है उसमें आपका ये पूछा जाता है ध्यान दीजिएगा हम आपको बता देते हैं अराउंड आपके एट टू टेन क्वेश्चन मैथ्स में पूछे जाते हैं मैथ्स के जो क्वेश्चन आते हैं आपके वो अराउंड एट टू टेन होते हैं फिक्स नहीं होते हैं वेरी करते हैं ठीक है तो वेरी करते हैं तो अराउंड एट टू टेन क्वेश्चन होते हैं और वो सभी के सभी क्वेश्चन आपके बेसिक होते हैं तो इसलिए हम आपको स्पेशली मेंशन कर रहे हैं कि आपको अगर आप एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है बहुत ही लिमिटेड पढ़ना है और बहुत ही सिलेक्टेड पढ़ना है हाँ एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए भी है देखिए दो बैच हैं एक एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए है एक वाई ग्रुप के लिए, है, एक के लिए है और एक कॉम्बो है तो ये डिसाइड कीजिए आपको एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए लेना है या वाई ग्रुप के लिए लेना है दोनों के लिए लेना है तो जिसको भी आप लेना चाहते हैं आप उसे ले सकते हैं ठीक है नहीं आशीष नहीं वाई ग्रुप में बेसिक मैथ आता है चलिए तो ये हमने आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दी है मैथ्स के सिलेबस के बारे में मैथ्स का सिलेबस क्या क्या है क्या क्या हमें पढ़ना है तो उम्मीद है आप सभी को आप सभी को ये मैथ्स का सिलेबस के बारे में जो नॉलेज है जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो आप लोगों को मिल चुकी होगी एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं आपको बहुत डेफ्थ में नहीं पढ़ना है बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही सिलेक्टेड पढ़ना है देखिए फिलहाल आज हम आपसे स्टार्ट करेंगे आज आपकी पहली क्लास है तो पहली क्लास है तो बहुत ज्यादा आपको क्योंकि आपका जो एग्जाम है बहुत बेसिक लेवल का एग्जाम होता है तो इसमें हम आपके बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक से स्टार्ट नहीं करेंगे अभी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे आपने सुना भी होगा कि सबसे पहली क्लास आपकी स्टार्टिंग की क्लासेज जो होती हैं बिल्कुल बेसिक होती हैं तो स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा है कभी भी तो अगर वो भी पढ़ेंगे तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इसमें एक चीज देखिएगा बेसिक में सबसे पहले आपका आता है सिंप्लीफिकेशन तो हम जो आपका स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे सिंप्लीफिकेशन से ध्यान दीजिएगा सिंप्लीफिकेशन तो पहला टॉपिक आप लिख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन 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 यानी कि हिंदी में कहा जाता है सरलीकरण महारथियों सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण अगर हम सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले यह समझते हैं कि सिंप्लीफिकेशन में आपका क्या क्या पढ़ना है ठीक है ध्यान से देखिएगा सिंप्लीफिकेशन में क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन में बेसिक कैलकुलेशन पढ़नी है ध्यान दीजिएगा बेसिक कैलकुलेशन है ना अब देखिए बेसिक कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो बेसिक कैलकुलेशन में आपका क्या क्या आता है तो बेसिक कैलकुलेशन में एक तो आपका आता है स्क्वायर्स निकालना स्क्वायर्स को हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग वर्ग निकालना दूसरा आपको क्यूब निकालना यानी कि क्यूब का मतलब घन तीसरा आपको स्क्वायर रूट निकालना स्क्वायर रूट आप सभी अच्छे से जानते होंगे स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल निकालना ठीक है चौथा आपका आपको क्यूब रूट निकालना क्यूब रूट मतलब होता है घनमूल निकालना ठीक है महारथियो क्यूब रूट मतलब घनमूल निकालना ये तो आपका बिल्कुल बेसिक हो गया इसके अलावा बेसिक कैलकुलेशन में दूसरा जो आपका पॉइंट आता है वो आपका आता है फ्रैक्शन फ्रैक्शन यानी कि भिन्न भिन्न से रिलेटेड प्रश्न भी आपके पूछे जाते हैं ये सभी सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है तीसरा आपका आता है फ्रैक्शन के बाद सर्ट्स एंड इंडिसेस सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता है घातांक और करणी घातांक और करणी घातांक और करणी ठीक है इसके अलावा नेक्स्ट आपका आता है बॉडमास, मास महारथियो बॉडमास भी आपका सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट होता है नहीं दिनेश अगर आपने पहले वाला बैच पढ़ा हुआ है तो आपको ये बैच लेने की जरूरत नहीं है अगर आपने पहला वाला बैच लिया हुआ है तो इस बैच को लेने की जरूरत नहीं है अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आप इसे ले सकते हैं ठीक है चलिए तो सबसे पहले देखिए बेसिक कैलकुलेशन में एक तो आपका स्क्वायर हो गया क्यूब हो गया स्क्वायर रूट हो गया क्यूब रूट हो गया इसके अलावा कुछ बेसिक मल्टीप्लीकेशन वगैरह की टेक्निक्स होती हैं नेक्स्ट आपका फ्रैक्शन फ्रैक्शन भिन्न फ्रैक्शन में बहुत सारी वैरायटी होती है फ्रैक्शन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन काफी पूछे भी जाते हैं सर्ट्स घातांक और करनी और नेक्स्ट वन आपका क्या होता है Baud mass. Baud mass. Baud mass भी आप सबने देखा होगा बिल्कुल ये सभी आपके इसी के पार्ट हैं. ये सब चीजें जो आपके सामने लिखी हुई हैं, ये सभी चीजें आपकी सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है जी नबी, जी सुमेत बिल्कुल ये आपका नेवी के लिए भी है हाँ, जो बेसिक लेवल का एग्जाम है आर्मी क्लर्क के लिए भी सफिशियंट रहेगा सब में देखो बेसिक मैथमेटिक्स जो होता है वो सब में सेम होता है चलिए तो अब आपको जो भी पूछना है लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले अब हम आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो महारथियों ध्यान से देखिएगा सबसे पहले आपका टॉपिक है स्क्वायर आज स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से स्क्वायर और स्क्वायर का मतलब आपका क्या हो गया वर्ग ध्यान दीजिएगा आज हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर स्क्वायर मतलब आपका क्या हो गया वर्ग अब समझते हैं सबसे पहले कि स्क्वायर या वर्ग आपका क्या होता है हम सभी बहुत ही अच्छे से इसके बारे में जानते हैं हम सभी बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि स्क्वायर यानी कि वर्ग क्या होता है बचपन में हम सभी ने पढ़ा है कि अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर निकालना है तो हमें जिस नंबर का स्क्वायर निकालना होता है हम उस नंबर में उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आती है वही उस नंबर का क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है अब ध्यान से देखिएगा सब बच्चे ध्यान से देखिएगा देखिए स्क्वायर किसी भी एग्जाम में आपसे ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि 25 का स्क्वायर क्या है कि 137 का स्क्वायर क्या है स्क्वायर किसी भी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट नहीं पूछे जाते इनडायरेक्टली आपसे ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन में क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको बीच में स्क्वायर क्यूब वगैरह की जरूरत पड़ जाती है तो ये जो आपका स्क्वायर है मोस्टली एग्जाम्स में डायरेक्ट नहीं पूछा जाता ये इनडायरेक्टली पूछा जाता है तो आपको ये समझना है कि आपसे कभी भी एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि 25 का स्क्वायर क्या होता है या 37 का स्क्वायर क्या होता है सब जानते हैं सब निकाल सकते हैं तो वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा लेकिन कभी कभी आप टॉपिक के कोई क्वेश्चंस कर रहे होते हैं या कहीं पर कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको इन स्क्वायर्स, क्यूब्स की या स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स की जरूरत पड़ती है तो इस चीज को समझिएगा कि ये आपकी जो बेसिक कैलकुलेशन है ये आपकी अदर टॉपिक्स में काम करती है इसलिए ये आप सभी को आनी चाहिए यानी कि आप किसी भी एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हो ये तो आप सबको आना ही चाहिए ये तो बिल्कुल पहली सीढ़ी है ठीक है सबसे पहले सबसे पहले हम सभी एक बात जानते हैं कि अगर हम स्क्वायर को ऐसे मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो हमारा जो है बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा और हमें दिमाग भी एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा तो हम इसे ऐसे नहीं करेंगे अब इसे ऐसे नहीं करेंगे तो हम क्या अब देखिए एक मिनट ठीक है तो सबसे पहले हम यहां पर आपके सामने एक नंबर लेते हैं जैसे हमने आपके सामने एक नंबर ले लिया सपोज करते हैं सेवनटी फोर हमें सेवनटी फोर का स्क्वायर निकालना है अब ये सपोज करते हैं कि हमें सेवेंटी फोर का स्क्वायर नहीं आता हो सकता है आप में से किसी बच्चे को आता हो आना भी चाहिए ठीक है तो लेकिन अभी हम सपोज करते हैं कि हमें 74 फोर का स्क्वायर नहीं आता और ठीक है तो अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो अब हम उसे कैसे निकालेंगे उसे सपोज करते हैं तो सबसे पहले आप जिस नंबर का भी स्क्वायर निकालना है उस नंबर की डिजिट्स देखेंगे डिजिट्स क्या क्या हैं सेवन एंड फोर तो आप क्या करेंगे जो भी डिजिट है जैसे सेवन है तो सेवन का स्क्वायर फोर है तो फोर का स्क्वायर यानी कि जो भी डिजिट लिखी हुई है उसका हम क्या लिख देंगे स्क्वायर लिख देंगे अब उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम एक काम करेंगे कि इन दोनों डिजिट्स के मल्टीप्लाई का डबल ध्यान दीजिएगा इन दोनों डिजिट्स के मल्टीप्लाई का डबल 7 into 4 28 28 का डबल ध्यान से देखने वाली बात क्या है ध्यान से देखने वाली बात यह है कि इसमें हमने आपको ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने स्पेशल बताया हो ये जो हमने आपको बताया है ये एक ऐसा तरीका है जो आप सभी ने बचपन से पढ़ा हुआ है लेकिन आपके जो पढ़ने का तरीका था वो थोड़ा डिफरेंट था ठीक है अब ध्यान से देखिएगा अब हम समझाते हैं आप सभी ने बचपन में कैसे पढ़ा है ध्यान दीजिएगा अगर हम इसको 7 को 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 मान मान लें और 4 को B, 4 को B मान लें और तो ये आपका क्या होगा स्क्वायर ये आपका क्या होगा बी स्क्वायर ये आपका क्या होगा टू ए बी होगा या नहीं होगा बिल्कुल होगा तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि अगर हम इसको ए मानते हैं इसको बी मानते हैं तो ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर ये टू ए बी खत्म और आप सभी ने और आप सभी एक बात बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि आज तक कोई भी नंबर ऐसा नहीं बना जिसका स्क्वायर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी से नहीं निकाल सकते यानी कि आप इसे किसी भी नंबर में बिल्कुल फ्रीली फॉलो कर सकते हैं अब इस पे हम कई सारे आपको एग्जांपल्स देंगे जिससे आपके मन में जो भी थोड़े बहुत डाउट्स होंगे तो बताइए एटी सिक्स में एट क्या है ए और सिक्स क्या है आपका बी है ठीक है तो एट आपका ए है तो इसका स्क्वायर सिक्सटी फोर सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स उसके बाद टू ए बी दोनों के मल्टीप्लाई का डबल तो एट इंटू सिक्स फोर्टी एट का डबल नाइनटी सिक्स बस लास्ट से एक डिजिट छोड़कर आप जोड़ दीजिए और यही आपका आंसर खत्म कुछ भी नहीं कुछ भी स्पेशल नहीं है अब नेक्स्ट देखिए और एग्जांपल देखिए जैसे मान लीजिए आपको 93 का स्क्वायर निकालना है अगर आपको 93 का स्क्वायर निकालना है तो 9 को a मानेंगे 9 का स्क्वायर 81, 3 को b मानेंगे और 3 का स्क्वायर होगा 9. 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा लेकिन ध्यान दीजिएगा कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका स्क्वायर जो होता है वो सिंगल डिजिट में आता है जैसे वन है तो वन का स्क्वायर आपका वन आता है टू का स्क्वायर आपका फोर आता है और थ्री का स्क्वायर आपका नाइन आता है ये नंबर ऐसे हैं जिनके स्क्वायर सिंगल डिजिट में आते हैं बस लास्ट से एक डिजिट छोड़कर आप जोड़ दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा एट सिक्स फोर नाइन एक मिनट एक मिनट ठीक है क्लियर सबको अब देखिए दो चार एग्जाम्पल्स आपको और देते हैं महारथियो उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा जैसे सपोज कीजिए आपको निकालना है 68 का स्क्वायर तो आप क्या करेंगे 6 का स्क्वायर 36 सिक्स एट का स्क्वायर 64 फोर मल्टीप्लाई दोनों का 6 इंटू एट फोर्टी एट फोर्टी एट का डबल 96 बस जोड़ दीजिए यही आपका क्या हो जाएगा आंसर यही आपका क्या हो जाएगा आंसर कोई दिक्कत ही नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है डन सबको और देखिए और एग्जाम्पल देखिए अगर आप सोच रहे हैं जैसे मान लीजिए आपको सेवेंटी uh, टू का स्क्वायर निकालना है तो सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन टू का स्क्वायर जीरो फोर दोनों का मल्टीप्लाई फोर्टीन फोर्टीन का डबल ट्वेंटी एट बस लास्ट से एक डिजिट छोड़कर जोड़ दो खत्म यही आपका स्क्वायर कुछ नहीं करना है नेक्स्ट देखिएगा और देखिएगा अगर ऐसे ही मान लीजिए आपको निकालना है 96 का निकालना है और 96 में आप देखेंगे 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, अब आप क्या करेंगे दोनों का मल्टीप्लाई 54, 54 का डबल 108, बस लास्ट से एक डिजिट छोड़कर ऐड कर देंगे यही आपका स्क्वायर अब बताइए महारथियों सर ये सेंटर में ही क्यों ऐड करते हैं बिल्कुल बता देंगे अश्वनी ये आप खुद भी समझ सकते हैं कि सेंटर में ही क्यों ऐड करते हैं अब देखिए कुछ महारथी ऐसे होते हैं कि पूछते हैं कि सर थ्री का स्क्वायर इससे निकालें तो अब सोचिएगा आप थ्री का स्क्वायर इसी मेथड से निकाल लें नाइन का स्क्वायर निकाल लें थर्टी का स्क्वायर निकालें फोर्टी का निकाल लें हंड्रेड का निकाल लें अरे महान आत्माओं थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ कि अगर आप थर्टी के स्क्वायर के लिए भी ट्रिक यूज कर रहे हैं तो आप बहुत ही महान आत्मा हैं आप दुनिया से बहुत अलग हैं आप नॉर्मल इंसान नहीं हैं आप बहुत ही बड़े लेवल के इंसान हैं आपको तो नासा फासा वाले भी उठा ले जाएंगे ध्यान से देखो कुछ कॉमन सेंस वाली चीजें हैं कि थर्टी के स्क्वायर में भी अगर आपको ट्रिक लगाने की जरूरत पड़ रही है अगर आप ये कहते हैं कि सर दो का स्क्वायर निकालने के लिए भी ट्रिक निकाल बताइए तो यकीन मानिए आप स्पेशल हैं बहुत स्पेशल हैं अब देखिए सबसे पहले यहां पर हमने आपको जितने भी नंबर बताए हैं ये सभी हाँ ये नोट करना है आपको नोट कर लीजिए एक बच्चा पूछ रहा है सर थर्टी का स्क्वायर बताओ चौदाह के लिए भी बताओ अरे महान आत्माओं क्या होगा इस देश का <laughs> क्या होगा इस देश का अरे कुछ याद भी करोगे ये मेथड जो होते हैं वो उनके लिए होते हैं जिन्हें आप आपको लगता है आप लर्न नहीं कर सकते वो आपकी लिमिट के बियॉन्ड है मतलब वो आप उसको याद करना आपके लिए इजी नहीं है अगर आप 10 के स्क्वायर में भी 11 के स्क्वायर को 12 के स्क्वायर को भी ट्रिक से निकालेंगे तो फिर इस देश का क्या होगा क्या होगा इस देश का बत्तीस <laughs> का आप आपसे खुद निकालिए आप खुद निकाल सकते हैं थर्टी टू को वेरी गुड शशिकांत अब हम आते हैं थ्री डिजिट पर सबका नोट हो चुका है उम्मीद है सबका नोट हो चुका है अभी जितने भी आप स्क्वायर पूछ रहे हैं ये सब आप ही से निकलवाएंगे अब बात आती है कि यहां पर अगर आपकी डिजिट थ्री होती अगर यहां पर आपकी डिजिट अभी दो थी अगर यहां डिजिट थ्री होती सपोज करिए यहां पर होता आपका वन वन सेवन का स्क्वायर ठीक है अभी थोड़ा इजी इजी ले लेते ले हैं थोड़ा छोटा छोटा नंबर ले लेते हैं जिसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े सपोज करिए आपका होता वन वन फोर का स्क्वायर ठीक है अगर आपको वन वन फोर का स्क्वायर निकालना होता अगर आपको मान लीजिए वन ट्वेंटी थ्री का स्क्वायर निकालना होता अगर आपको मान लीजिए टू फोर्टी थ्री का निकालना होता अगर आपको मान लीजिए वन सिक्सटी टू का स्क्वायर निकालना होता अगर आपको इनके स्क्वायर निकालने पड़ते यानी कि यहां पर आपकी डिजिट जो है वो दो नहीं है यहां पर आपकी डिजिट तीन है <coughs> यहां पर आपकी डिजिट दो नहीं है यहां पर आपकी डिजिट तीन है अगर महारथियो आपकी डिजिट तीन हो जाती हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई हम सभी जानते हैं कि प्लस प्लस तो ए एप्लीकेबल है आज तक कोई ऐसा नंबर ही नहीं बना जिसमें प्लस प्लस तो हम इसमें क्या करेंगे अगर जैसे 114 आया, तो हम इसे दो नंबर में ब्रेक कर लेंगे 11 और फोर अब देखिए इलेवन का स्क्वायर वन ट्वेंटी अब दोनों का मल्टीप्लाई फोर्टी फोर का डबल खत्म क्या हो गया महारथियों खत्म यही आपका स्क्वायर खत्म अगर यहां पर 123 है तो 12 और 3 12 का स्क्वायर 144 3 का स्क्वायर 09 इसके बाद क्या करेंगे दोनों के मल्टीप्लाई का डबल 12 इंटू थ्री थर्टी सिक्स थर्टी का डबल 72 खत्म खत्म महारथियों कुछ करना ही नहीं है कुछ करना ही नहीं है कुछ भी स्पेशल नहीं है नेक्स्ट देखिएगा अगर 243 आ जाए तो 24 और 3, तो 24 का स्क्वायर 576, 3 का स्क्वायर 09, अब दोनों का मल्टीप्लाई 24 फोर इंटू थ्री सेवेंटी टू का डबल 144, खत्म हो गया जी महारथियो कुछ भी स्पेशल नहीं है यही आपका स्क्वायर नेक्स्ट देखिएगा <coughs> 162, 16 और 2, 16 का स्क्वायर 256, 2 का स्क्वायर 04, अब 16 इनटू 2, 32, 32 का डबल 64, बस जोड़ दीजिए खत्म हो गया बस आपका यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया ठीक है महारथियों आपका क्या हो गया आंसर <laughs> एक महारथी बोल रहा है सर मुझे 107 का बता दो अरे महान आत्माओ वन जीरो सेवन में क्या स्पेशल है अरे मेरे भाई तुम बहुत टैलेंटेड हो दिमाग नहीं लगाना चाहते लकीर के फकीर हैं अगर 162 की जगह 161 का आ जाएगा तो कहेंगे गुरुजी 161 का कैसे निकालेंगे अरे महान आत्माओं 10 और 7 कर लो 100, 7 का 49, दोनों का मल्टीप्लाई 70, 70 का डबल 140 खत्म अरे है क्या इसमें कब तक लकीर के फकीर बनते रहोगे एयर एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो घर से बाहर जाना पड़ेगा माँ बाप का साथ भी छोड़ना पड़ेगा हैं अच्छा छह की जगह पांच आएगा टू फोर्टी थ्री में कुछ गलत कर दिया क्या अच्छा यहां पर गलत कर दिया है चलिए महारथियों ये बच्चा अच्छा है इसने टीचर की गलती को पकड़ लिया है ये बहुत अच्छा बच्चा था कौन सा बच्चा था हाँ आकाश मधुर वेरी गुड <laughs> जल्दी से बताओ महारथियो क्या आपको क्लियर है हमने आपको पहले भी <laughs> हमने आपको पहले बोला कि आपसे किसी भी एग्जाम में नॉर्मली स्क्वायर नहीं पूछता आपसे नॉर्मली क्या पूछता है कि स्क्वायर का डायरेक्ट यूज नहीं पूछेगा इनडायरेक्टली जब आप कहीं एग्जाम को, कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे तो इनडायरेक्टली आपके स्क्वायर आ जाते हैं हाँ जी तो अब इसमें कुछ बच्चों के डाउट रहते हैं कि सर अगर यहां पॉइंट आ जाता तो अगर ये 11.4 होता तो अगर ये 2.43 होता तो, अगर ये 0.123 होता तो और अगर ये वाला 0.0162 का स्क्वायर होता तो तो 0.162 होता तो आपको दिखने में थोड़ा सा टफ लगता दिखने में थोड़ा टफ लगता कि अगर हम आपसे कहते कि 0.0162 का स्क्वायर क्या होगा तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। अगर वो आपको डायरेक्ट स्क्वायर पूछेगा ठीक है अगर वो आपको डायरेक्ट स्क्वायर पूछेगा तो वो आपको ऐसे ही पॉइंट में देकर पूछेगा तो इसमें आपको क्या करना है जैसे यहां पर एक डिजिट के बाद तो क्या करेंगे लास्ट से दो डिजिट के बाद डिजिट के बाद तो दो का डबल एक दो तीन चार के बाद लगा देंगे अगर यहां पर तीन डिजिट के बाद पॉइंट है तो तीन का डबल छ के बाद लगा देंगे ऐसे ही महारथियों यहां पर चार डिजिट के बाद पॉइंट है तो चार का डबल आठ कर देंगे अब आप कहेंगे यहां तो पांच ही डिजिट है तो बची हुई तीन डिजिट क्या कर देंगे जीरो लगा देंगे यही आपका आंसर कोई दिक्कत नहीं है अरे महान आत्मा बारह इंटू तीन छत्तीस होता है <laughs> अरे मेरे भाई ये टू ए बी होता है बारह इंटू तीन का डबल होता है इसीलिए कहते हैं क्लास में टाइम से आना चाहिए अधूरा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है ज्ञान ना होने से अगर आपको ज्ञान नहीं है तो बेटर है लेकिन ज्ञान अगर अधूरा है तो वो बहुत खतरनाक होता है ठीक है जैसा कि आपने देखा है कि अगर या तो बोर्ड पे बहुत ही अच्छी सारी चीजें लिखी हो या फिर बोर्ड क्लियर हो अगर बोर्ड क्लियर होगा तो एक टीचर के लिए लिखना इजी है लेकिन अगर बोर्ड भरा हुआ है बीच बीच में जैसे हमने भर दिया है यहां जगह छोड़ दी यहां छोड़ दी यहां छोड़ दी तो अब ये बीच बीच में जगह छुटी हुई है इसमें लिखना कॉम्प्लिकेटेड है अगर यही चीजें तो बिल्कुल साइड में लिखी हो या बिल्कुल साफ हो तो लिखना इजी होता है ऐसे ही ज्ञान के मामले में ध्यान रखिए अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है ठीक है तो या तो आपको पूरा ज्ञान हो सुकून से समझो अधूरा ज्ञान एग्जाम में ले डूबता है चलिए तो क्या महारथियों अब आप तैयार हैं अब हम आपको चार पांच क्वेश्चन दे रहे हैं पहले आप लोग खुद ट्राई करेंगे और उसके बाद हम आपसे कुछ क्वेश्चन कराएते हैं फिर बताते हैं आपको एक नई चीज और तीन चार नंबर लिखिए फोर्टी वन फोर्टी फोर फोर्टी नाइन फिफ्टी टू और 57 ये पांच नंबर हमने आपके सामने लिखे हैं चलो महारथियो स्टार्ट हो जाओ इन पांच नंबर के स्क्वायर निकालो और ये चेक करो कि आपको कितना समझ में आ गया है चले अच्छी बात है विराट <laughs> चलिए जल्दी से नोट कीजिए सुकून से करिए देखिए कभी भी एक चीज ध्यान रखिए कि कभी भी आपको कोई भी चीज समझनी है पढ़ना है तो वो जल्दबाजी से ना करें जल्दबाजी में कभी भी आप अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने क्लास ज्वाइन की है और यहां पर हमें कोई टैबलेट दी जाएगी और उस टैबलेट को खाते ही हम एक दिन में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे तो यकीन मानिए आप बहुत गलत हैं पढ़ना आप ही को है सुकून से पढ़ना है जल्दबाजी करोगे गलत होगा सुकून से पढ़ोगे धीरे धीरे पढ़ोगे बहुत ही आराम से चीजें क्लियर होंगी जो कराएंगे उससे बाहर तो नहीं आएगा अरे भाई जो आएगा उससे भी बहुत ज्यादा कराएंगे चिंता मत करो मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं कराएंगे आपको लेकिन जो आपके एग्जाम में आएगा उससे अपर लेवल का ही थोड़ा लेके चलेंगे और जो कराएंगे उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा पूरे मैथ के जितने भी क्वेश्चन आएंगे एयरफोर्स में नेवी में पूरे के पूरे करके आओगे एक भी नहीं छोड़ के आओगे चलिए ओके सचिन देखिए कई बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं अब हम आपको दिखाते हैं कि महारथियो किसके कितने कितने आंसर आ रहे हैं चेक करिएगा 41 का 1681 क्या सबका यही आ रहा है 44 का आपका 1936 क्या सबका यही आ रहा है महारथियो 49 का 2401 क्या आप सबका यही आ रहा है 52 का 2704 क्या आप सबका यही आ रहा है 30, 57 का 3249 सभी महारथियों ध्यान से देखो और बताइए कि क्या आप सबके यही आंसर्स आ रहे हैं कोई महारथी ऐसा तो नहीं है इसका कोई दूसरा आंसर आ रहा हो ठीक है इस बार सर्ड्स एंड एंड से भी आए थे क्वेश्चन इस बार क्या वो तो हमेशा ही आते हैं मेरे भाई हमने पहले लिख दिया चलिए जिन बच्चों के सभी ठीक हैं वो बहुत ही अच्छी बात है और जिन बच्चों के एक आध गलत भी हैं वो बच्चे क्या करेंगे दोबारा से उसे क्रॉस चेक करेंगे क्रॉस चेक करने के बाद सही करेंगे अब महारथियों विशेष रूप से ध्यान से देखो ये जितने भी नंबर्स हमने आपके सामने लिखे हैं और जितनी स्पीड से हमने ये स्क्वायर लिखे हैं इतनी स्पीड से आप भी लिख सकते हैं ध्यान दीजिएगा जितनी स्पीड से हमने लिखे हैं इतनी स्पीड से आप भी लिख सकते हैं हमने कुछ भी लर्न नहीं किया है और आपको भी लर्न करने की जरूरत नहीं है हमने इनके स्क्वायर को याद नहीं किया अगर हमने इनको स्पीड से लिखा है तो इसका मतलब हमने इनको याद नहीं किया है और आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है अब पॉइंट ये आता है कि अगर हमने इनको लर्न नहीं किया है तो हमने इसको कैसे लिखा है तो हमने आपको पहले ही बोला था कि ये बेसिक कैलकुलेशन है स्क्वायर वगैरह की एक नहीं बहुत सारी ट्रिक होती है और हमने आपको एक चीज और भी बोली थी कि हम आपको बहुत सारी ट्रिक्स नहीं बताएंगे हम आपको वो सब ट्रिक बताएंगे जो आपके लिए एग्जाम में क्या होगी बेनिफिशियल होगी क्या होगी बेनिफिशियल तो सबसे पहले देखिए ये आपकी है मेथड नंबर टू ये मेथड नंबर टू है ये स्पेशली स्क्वायर निकालने का जो मेथड है स्पेशली उन बच्चों के लिए बेस्ट होता है जो बच्चे माइंड में थोड़ी सी भी कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी माइंड में बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं कर पाते तो वो पहले मेथड से जा सकते हैं लेकिन अगर आप में से थोड़ी सी भी कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हैं तो ये मेथड नंबर टू आपके लिए बेस्ट है इसमें हम क्या करते हैं देखिए इसमें आपकी कंडीशन है और वो कंडीशन क्या है वो कंडीशन ये है कि ये जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं इन सभी नंबर में कॉमन चीज है और वो कॉमन चीज ये है कि ये सभी के सभी नंबर्स जो हैं वो 50 के क्या है नियर वाई फिफ्टी के नियर वाई मतलब 50 के आसपास और जो नंबर आप के 50 के नियर बाई 50 के आसपास होते हैं उन नंबर्स के स्क्वायर को आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना पेन के कैसे निकाल सकते हैं बेस 25 लेकर अब ये बेस 25 क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं ध्यान दीजिएगा महारथियों सबसे पहले आपको जिस नंबर का भी स्क्वायर निकालना है आप सबसे पहले ध्यान देखेंगे कि वो जो नंबर जिसका आप स्क्वायर निकालना चाहते हैं वो फिफ्टी के वो फिफ्टी के आसपास है और कितना आसपास है यानी फिफ्टी से कितना प्लस है या फिफ्टी से कितना माइनस है तो आपको जैसे फोर्टी वन का निकालना है तो आप ये देखेंगे फोर्टी वन फिफ्टी से क्या है माइनस का नाइन यानी कि फिफ्टी से नाइन कम है तो आपको बस ये देखना है जिस नंबर का आप स्क्वायर निकाल रहे हैं वो 50 से कितना प्लस या कितना माइनस है तो 41 जो है वो 50 से क्या है 9 माइनस है ठीक है अब ध्यान दीजिएगा अब आपको क्या करना है जो भी हमने बेस बताया है महारथियो हमने बेस क्या बताया 25 अगर ये 50 से प्लस है तो 9 को 50 में प्लस कर 25 में प्लस कर दो माइनस है तो माइनस कर दो तो 25 से 9 माइनस करोगे कितना आएगा 16 लिख दिया इसके बाद आपको क्या करना है जो नंबर आपका ये है इसी का स्क्वायर लिख देना है यानी कि नाइन का स्क्वायर एटी यही आपका स्क्वायर हो गया खत्म हो सकता है कि आपको अभी यह समझ में ना आया हो अगले चार के बाद आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यह समझ में आ जाएगा 44, 44 बताइए महारथियों से क्या है सिक्स कम अगर ये 50 से सिक्स कम है तो आप 25 से सिक्स कम कर देंगे और 25 से सिक्स कम करेंगे तो कितना होगा 19 और उसके बाद उसी सिक्स का स्क्वायर 36 हो गया खत्म कुछ है ही नहीं कुछ है ही नहीं महारथियों ऐसे ही 49, 49 जो है वो 50 से एक कम है अगर 50 से एक कम है तो आप क्या करेंगे बस जो बेस 25 है उसमें वन माइनस करेंगे कितना हो गया 24। और उसी वन का स्क्वायर जीरो वन खत्म कुछ है ही नहीं ऐसे ही अगर आपको 52 का स्क्वायर निकालना है तो 52 100 से क्या है प्लस का टू है तो आप क्या करेंगे बेस 25 में टू जोड़ देंगे ट्वेंटी सेवन का स्क्वायर जीरो खत्म कुछ है ही नहीं ऐसे ही 57 का स्क्वायर निकालना है तो 57 50 से क्या है प्लस का 7 तो 25 में 7 जोड़ेंगे 32 और 7 का स्क्वायर 49 खत्म कुछ है ही नहीं अब बताइए महारथियों क्या आप सबको क्लियर है ध्यान से देखिए इन क्वेश्चंस को और ध्यान से देखकर हमें बताइए कि क्या आप सबको ये क्लियर है चलिए जिनको क्लियर है बहुत बहुत अच्छी बात है अभी आपको दिखाते हैं अब आपको क्या करना है अब आपको हमारे साथ ध्यान दीजिएगा अभी आपके मन में बहुत सारे डाउट चल रहे होंगे ऐसा होता तो क्या होता वैसा होता तो क्या होता ये होता तो क्या होता वो होता तो क्या होता ये सब चलते रहना चाहिए ठीक है जब तक मन में ये सब चलता रहेगा अच्छी बात है मतलब आप ग्रोथ करना चाहते हैं जिस दिन मन में खत्म हो जाएगा मतलब कि गड़बड़ है लेकिन थोड़ा सा पेशेंस भी रखिएगा सारे ये होता वो होता ये होता वो होता सब कुछ क्लियर होगा अब हम आपके सामने क्या कर रहे हैं अब हम आपके सामने रेंडमली नंबर लिखेंगे और कंडीशन ये है कि आप में से किसी को भी पेन का यूज नहीं करना है बिना पेन के मन में करना है और आपको किसी को प्रूफ नहीं करना है आपको अपने आप को प्रूफ करना है कि आपको समझ में आया या नहीं आया तो जैसे ही हम रेंडबली नंबर लिखेंगे आप बिना पेन के मन में तुरंत उसका स्क्वायर काउंट करेंगे <coughs> जैसे सपोज कीजिए हमने लिखा फिफ्टी वन तो आपके मन में तुरंत इसका स्क्वायर आ जाना चाहिए फिफ्टी वन मतलब फिफ्टी से प्लस का वन है और अगर ये प्लस का वन है तो ट्वेंटी फाइव में एक जोड़ेंगे ट्वेंटी सिक्स और वन का स्क्वायर जीरो वन खत्म कुछ है ही नहीं कोई भी कोई भी नंबर हम रेंडमली लिखेंगे अगर हमने लिखा मान लीजिए थ्री तो आप तुरंत मन में सोचेंगे कि 53 का स्क्वायर क्या होगा किसी को प्रूफ नहीं करना है अपने आप को सेटिस्फाइड करना है ठीक है तो फिफ्टी थ्री हंड्रेड सॉरी फिफ्टी से क्या है प्लस थ्री तो प्लस थ्री है तो ट्वेंटी फाइव में थ्री जोड़ा ट्वेंटी एट थ्री का स्क्वायर जीरो नाइन खत्म कुछ है ही नहीं और देखिए अगर हमने आपके सामने लिखा 56, तो 56 क्या है 50 से प्लस का 6 है तो 25 में 6 जोड़ोगे 31 और 6 का स्क्वायर 36, खत्म कुछ है ही नहीं अपने मन में तुरंत करिए हमारे साथ साथ करिए अगर हम आपसे कहें 54 का स्क्वायर बताओ तो 54 का स्क्वायर मतलब 50 से ये प्लस का 4 है और प्लस का 4 है तो 25 में 4 जोड़ दोगे 29 4 का स्क्वायर 16 खत्म ऐसे ही अगर हम रेंडमली आपको बोलते हैं फिफ्टी नाइन तो फिफ्टी नाइन फिफ्टी से क्या है प्लस का नाइन प्लस का नाइन मतलब ट्वेंटी फाइव में नाइन जोड़ दो थर्टी फोर नाइन का स्क्वायर एटी वन ऐसे ही महारथियों ऐसे ही महारथियों हम बोलते 48 फोर्टी एट तो फोर्टी एट अब आप देखेंगे कि फोर्टी एट फिफ्टी से क्या है माइनस टू और अगर ये टू माइनस का है तो आप ट्वेंटी फाइव से टू माइनस करेंगे ट्वेंटी थ्री और फिर इसी टू का स्क्वायर लिख देंगे जीरो फोर खत्म अगर हम आपसे बोलते हैं फोर्टी सिक्स का स्क्वायर तो आप समझ जाएंगे फोर्टी सिक्स फिफ्टी से फोर कम है और अगर ये फोर कम है तो ट्वेंटी फाइव से फोर कम करेंगे ट्वेंटी वन और फोर का स्क्वायर सिक्सटीन खत्म कुछ ही नहीं ऐसे ही अगर हम आपसे यह कहते हैं कि फोर्टी सेवन का स्क्वायर क्या होगा तो आप क्या करेंगे 4750 से 3 कम है और अगर 3 कम है तो 25 से 3 कम 22 और 3 का स्क्वायर 09 खत्म ऐसे ही अगर हम आपसे कहते बताओ भारतीयों 42 का स्क्वायर क्या होगा तो 42 50 से क्या है 8 कम है और अगर 8 कम है तो 25 से 8 कम करेंगे 17 8 का स्क्वायर 64 खत्म ध्यान से देखो महारथियों और आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि आप सभी को 40 टू 60 के बीच के जितने भी स्क्वायर हैं वो आप सभी ने लर्न कर लिए हैं आप 20 नंबर के स्क्वायर याद कर चुके हैं बचपन से आपने पढ़ना स्टार्ट किया है पूरी जिंदगी नहीं बोल सकते लेकिन पढ़ाई की तो मोस्टली जिंदगी आपकी निकल गई है और अभी भी 80, 90 परसेंट बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें 20 तक ही स्क्वायर आते हैं और अभी आप थोड़ी देर में 20 नंबर के स्क्वायर और लर्न कर चुके हैं ठीक है तो उम्मीद है कि आप सभी को 40 टू 60, 20 नंबर के स्क्वायर याद हो चुके हैं थोड़ा सा तो और आगे बढ़ना है बढ़ते हैं हमेशा बढ़ना है आगे और हम भी आगे बढ़ते हैं ठीक है चलिए चलते फिरते उठते बैठते आप मन में ऐसे ही स्क्वायर करते रहिए आस पड़ोसियों से पूछते रहिए बिना पेन के फोर्टी एट का स्क्वायर बताओ है ना छोटे भाई से पूछिए बड़े भाई से पूछिए और ऐसे ही आपका रिवीजन होता रहेगा और आपको याद होता रहेगा अब महारथियों बात आती है जैसे हमने फिफ्टी के नियर बाई के लिए बताया महारथियों सेम कंडीशन होती है हंड्रेड के नियर बाई के लिए यानी कि अगर आप 100 के आसपास के नंबर की बात करें तो सेम प्रोसेस से अरे गुरुजी 40 का निकालो अरे महान आत्मा कहां से आया है ये देखो एक महान आत्मा आया है हमारी क्लास में और कह रहा है कि सर 40 का स्क्वायर निकालो बताओ क्या होगा इस देश का मम्मी को पता ना चल जाए पापा को पता ना चल जाए कि बच्चे ने फोर्टी का स्क्वायर निकालना पूछा है यकीन मानिए दे दनादन दे दनादन स्टार्ट हो जाएंगे कि हम तो बचपन से पढ़ा रहे हैं और बच्चा कह रहा है कि फोर्टी का स्क्वायर निकालो क्या होगा इस देश का इनको हर चीज में ट्रिक चाहिए ये चाहते हैं कि अगर आपसे एग्जाम में आए एक और एक कितना होता है तो इसके लिए भी इनको बताओ गुरुजी ट्रिक क्या होगी कोरोना काल के बच्चे तो नहीं हो ऐसा तो नहीं है कोरोना में पास हुए हो तुम तो ऐसे भी नहीं हो गए ठीक <laughs> है हम तो ये सोच रहे हैं, अभी तक तो बच्चे पढ़ के पास होते थे तब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और अब जो बच्चे आने वाले हैं एक दो साल के बाद कोरोना में बिना एग्जाम दिए बिना स्कूल गए पास हो रहे हैं वो बच्चे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे हमें तो ये सोच सोच के दिल घबराता है हमारा कि आप लोग तो कम से कम स्कूल कॉल स्कूल तो गए हो स्कूल जाकर आपने पेपर दिए हैं तब पास होकर के आते हो तब ऐसे क्वेश्चन पूछते हो जो महान आत्माएं कोरोना काल में बिना स्कूल गए बिना बोर्ड के एग्जाम दिए पास होकर आ रहे हैं वो बच्चे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे क्या होगा इस देश के कॉम्पिटिशन में पढ़ाने वाले टीचर्स का ये सोच सोच के हम लोगों की 10-15 साल एज कम हो जाए तो बड़ी बात नहीं है चलिए महारथियो हंड्रेड के नियर वाई की अगर बात हो तो सेम प्रोसेस होगा बस बेस चेंज होगा और बेस क्या हो जाएगा सेम नंबर क्या हो जाएगा महारथियो सेम नंबर यानी कि वही संख्या यानी कि अभी जो हम प्लस माइनस करते थे वो किस में करते थे बेस ट्वेंटी फाइव में अभी जो हम प्लस माइनस करेंगे अगर हंड्रेड के नियर वाई होगा तो उसी संख्या में कैसे देखो अगर आपको हमने पूछा कि 102 का स्क्वायर क्या होगा महारथियों महान आत्माओं ध्यान से देखो तो अगर आपको 102 का स्क्वायर निकालना है तो पहले आप यह चेक करेंगे कि 102 जीरो से क्या है प्लस का टू है क्या है महारथियो प्लस का टू है तो अगर ये हंड्रेड से प्लस का टू है ठीक है अगर ये 100 से प्लस का 2 है तो हमने क्या कहा आपको बेस में प्लस 2 कर देना है बेस क्या है आपका सेम नंबर यानी कि वही संख्या तो आपको क्या कर देना है हंड्रेड टू में टू को जोड़ देना है बताओ महारथियों कितना आएगा वन जीरो फोर उसके बाद आप उसी नंबर का जो नंबर है टू टू का ही स्क्वायर लिख देंगे जीरो फोर खत्म कुछ है ही नहीं खत्म हो गया ठीक है अब देखिए दूसरी कंडीशन देखिए दूसरी कंडीशन देखिए महारथियों अगर आपको 104 का स्क्वायर निकालना है अगर आपको 104 का निकालना है तो 100 से कितना प्लस है प्लस का फोर खत्म अगर 100 से प्लस का फोर है तो आप क्या करेंगे इस फोर को इसमें जोड़ दो बस 108 जीरो फोर का स्क्वायर 16 खत्म कुछ है ही नहीं सेम कंडीशन ऐसे ही अगर आपको 107 का स्क्वायर निकालना है बताओ महारथियों से कितना प्लस का है 7 का है तो आप क्या करेंगे आप उसी नंबर में 107 में 7 जोड़ेंगे 114 और 7 का स्क्वायर 49। खत्म कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट देखो महारथियो अगर आपको 109 का स्क्वायर निकालना है तो 109 क्या है 100 से प्लस का 9 है तो आप 109 में 9 जोड़ देंगे 118. नाइन का स्क्वायर एटी वन खत्म कुछ है ही नहीं और देखिएगा अगर आपको मान लीजिए नाइनटी एट का स्क्वायर निकालना है तो नाइनटी एट क्या है हंड्रेड से दो कम है ठीक है हंड्रेड से अगर ये दो कम है तो नाइनटी एट से दो माइनस कर देंगे कितना नाइनटी सिक्स दो का स्क्वायर जीरो फोर खत्म कुछ है ही नहीं और देखिए अगर आपको 96 का स्क्वायर निकालना है तो 96 मतलब 100 से चार कम है तो आप क्या करेंगे अगर आपको 91 का निकालना है तो नाइनटी 100 से क्या है नाइन कम है और अगर 100 से नाइन कम है तो नाइनटी वन से नाइन कम करेंगे 82, और 9 का कोई दिक्कत ही नहीं है बताओ महारथियों कोई दिक्कत कर सकते हो क्लियर है ऐसा कोई महारथी जिसको दिक्कत हो अब आप ध्यान से देखिए आपको 92, टू तक के स्क्वायर्स भी लर्न हो चुके हैं यानी कि आपको 20 नंबर और हैं जिनके स्क्वायर लर्न हो चुके हैं 20 नंबर 40 टू 60 और 20 नंबर आपके 90 टू 110 यानी कि आपको 40 नंबर के स्क्वायर लर्न हो चुके हैं क्लियर 20 नंबर कहां से हो गए 40 टू 60 और 20 नंबर कहां से हो गए 90 टू 110 यानी 40 नंबर्स के स्क्वायर आप बिना पेन के विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं आंख बंद करके भी कर सकते हैं सर बिल्कुल जरूरत ही नहीं है आपको <laughs> अब बात आती है इसके बीच वाले नंबर की यानी कि अब हमारे बीच में कुछ नंबर बच गए हैं जैसे कई बच्चे पूछ भी रहे हैं सपोज करो आपको निकालना है बीच का कोई भी नंबर है मान लीजिए आपको या 110 से ऊपर का निकालना है सपोज करते हैं 116 का निकालना है ठीक है और देखिए महारथियों आपको निकाल मान लीजिए 119 का स्क्वायर निकालना है इसी मेथड से और अगर आपको 124 का स्क्वायर निकालना है ठीक है ऐसे ही महान आत्माओं ध्यान से देखिएगा आप एक बच्चा जैसे 88 का निकालना है और भी कोई नंबर ले सकते हो 86 का निकालना है और देखिएगा महारथी हो मान लीजिए 78 का निकालना है और देखिए 63 का निकालना है और देखिए महारथियों आपको 38 का निकालना है और देखो महारथियों आपको 36 का निकालना है ये देखिए अगर आपको इन नंबर्स के स्क्वायर निकालने हैं ध्यान से देखिएगा सही बच्चे ध्यान से देखिएगा कि अगर आपको इन नंबर्स के स्क्वायर निकालने हैं और इन नंबर के अगर आपको स्क्वायर निकालने हैं तो आपको कैसे निकालना है सबसे पहले इस चीज को ध्यान से देखो जैसे आपको 116, 116 का स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या चेक करना है आपको एक चीज चेक करनी है और आपको क्या चेक करना है कि सबसे पहले ये हंड्रेड से क्या है आपसे पहले देखिए कि हंड्रेड से क्या है ये प्लस का सिक्सटीन है अगर ये 100 से प्लस का 16 है तो हमने आपको क्या बताया था कि जितना भी ये प्लस का है जितना भी ये प्लस का है उसे 116 में जोड़ दो तो 116 और 16 कितना हो जाएगा 132 लेकिन 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 ध्यान दीजिएगा कि 16 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो 16 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो 16 के स्क्वायर में आपका क्या होता है 16 के स्क्वायर में आपका आता है 256 कितना आता है भारतीयों 256 तो अभी तक आपका क्या होता है कि जितने भी नंबर्स के हम स्क्वायर करते थे उन नंबर्स के स्क्वायर जो है वो आपके कितने में आते थे टू डिजिट में आते थे लेकिन यहां पर जो आपका स्क्वायर आ रहा है वो थ्री डिजिट में आ रहा है कितना आ रहा है थ्री डिजिट में तो जैसे आपका यहां पर आ रहा है 256 और 256 आपकी कितनी डिजिट है थ्री डिजिट है ठीक है कितनी डिजिट है थ्री डिजिट अब दिक्कत ये आती है कि अगर ये थ्री डिजिट आती हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे तो उस कंडीशन में हम एक काम कर सकते हैं क्या कर सकते हैं जैसे अब ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए हमें 56 और 76 को जोड़ना है तो आप एक काम करते हैं जब सिक्स और सिक्स को जोड़ते हैं तो सिक्स और सिक्स को जोड़ने पर कितना आता है ट्वेल्व आता है क्या आता है ट्वेल्व आता है तो अगर ये ट्वेल्व आता है तो क्या आप सीधे यहां पर ट्वेल्व लिख देते हैं बताइए नहीं आप ट्वेल्व नहीं लिखते आप क्या करते हैं आप ट्वेल्व की जगह इस वन को हटा देते हैं और वन को कहां ले जाते हैं कैरी में ले जाते हैं यानी कहने का मतलब यह है कि आपकी जो भी एक्स्ट्रा डिजिट होती है वो डिजिट कहां आएगी आपकी कैरी में चली जाएगी तो अब हम एक काम करेंगे और वो काम हम क्या करेंगे वो काम हम ये करेंगे कि जैसे 256 में से हमें केवल टू डिजिट चाहिए अब आपके जब नंबर ऐसे आ जाते हैं जिनके स्क्वायर आपके थ्री डिजिट में आते हैं तो आप क्या करेंगे जो एक्स्ट्रा वाली डिजिट है उसे कहां ले जाएंगे कैरी में तो 16 के स्क्वायर 256 में लास्ट की टू डिजिट 56 तो यही लिखेंगे लेकिन टू कहां चला जाएगा कैरी में बस खत्म अब कुछ है ही नहीं अब इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको दिक्कत करे खत्म अब आपका खत्म नेक्स्ट देखिएगा अगर आपको 119 देखना है, तो 119 क्या है 100 से प्लस का 19 है। तो अगर 100 से प्लस का 19 है तो 19 और 19 कितना हो जाएगा 138। और अब आप देखेंगे 19 का स्क्वायर 361। 361 में आप देखेंगे तीन डिजिट आती हैं। तो दो डिजिट के बाद जो एक्स्ट्रा डिजिट है वो आपकी कहां पर आ जाएगी यहां पर खत्म वन फोर वन सिक्स वन यही आपका स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं है आप बहुत ही आराम से करनी है ठीक है बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं और नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा वन ट्वेंटी से क्या है प्लस का 24 है तो प्लस का अगर 24 है तो 124 और 24 कितना होगा 148 और 24 का स्क्वायर 576 बस 5 कहां चला जाएगा कैरी में वन फाइव थ्री सेवन सिक्स यही आपका आंसर खत्म डन सबको कोई दिक्कत तो नहीं है अब बाकी के जो भी क्वेश्चन हैं आप चाहें आप चाहें तो बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको भी ट्राई कर सकते हैं यानी कि अगर जरूरी नहीं है कि आप केवल 40 टू सिक्सटी और 92 टू 110 के बीच में ही आप स्क्वायर निकाल सकते हैं आप इनके अलावा भी स्क्वायर निकाल सकते हैं जैसे 88 है 88 का मतलब 100 से ये 12 कम है तो आप क्या करेंगे 88 से 12 कम करेंगे 76 और 12 का स्क्वायर 144। अब 1 जो है वो एक्स्ट्रा में है तो ये कैरी में चला गया खत्म कुछ भी स्पेशल नहीं है कुछ भी स्पेशल नहीं है बहुत ही आराम से कर सकते हैं ऐसे ही 86, 86 जो है वो 100 से 14 कम है तो अगर 100 से 14 कम है तो 86 से 14 कम करेंगे 72, और 14 का स्क्वायर 196, 1 सिक्स वन कहां चला जाएगा कैरी में खत्म कुछ है ही नहीं कुछ है ही नहीं चलो तो अब बचे हुए बचे हुए जो भी क्वेश्चन है एक बार ट्राई कीजिए 78 जो है वो 100 से 22 कम है अगर 100 से 22 कम है तो 78 से 22 कम करेंगे 56 और 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 बस इसमें जोड़ दो खत्म हो गया 6084 हो गया देखो महारथियों ध्यान से देखो नेक्स्ट देखिएगा 63 का स्क्वायर देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा ये जो मेथड है स्पेशली उन बच्चों के लिए बेस्ट होता है जो मन में थोड़ी सी भी कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर आपकी मन में थोड़ी सी भी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप इसे बेहद आसानी से कर सकते हैं 63 अब देखो अब आपको खुद कॉमन सेंस लगाना है अब कुछ बच्चे कहते हैं कि कौन सा नंबर हम कहां पर कौन सा मेथड लगाएं 100 वाला मेथड कहां पर लगाएं 50 वाला मेथड कहां पर लगाएं तो कोई सा मेथड आप कहीं पर भी लगा सकते हैं लेकिन आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि कौन सा नंबर आपके लिए कहां पर बेस्ट होगा अब आप खुद सोचिए सिक्सटी थ्री फिफ्टी से बेस्ट होगा ठीक है सिक्सटी थ्री फिफ्टी से बेस्ट होगा या हंड्रेड से बेस्ट होगा यानी कि सिक्सटी थ्री फिफ्टी के ज्यादा पास में है या हंड्रेड के ज्यादा पास में है तो हम नोटिस करते हैं सिक्सटी थ्री फिफ्टी से केवल तेरह दूर है तो फिफ्टी बेस्ट होगा और फिफ्टी जब लेते हैं तो बेस क्या लेंगे ट्वेंटी फाइव 25 में 13 जोड़ेंगे 38 और 13 का स्क्वायर 169 खत्म 3969 यही आपका स्क्वायर हो गया खत्म हो गया नेक्स्ट देखिएगा ऐसे ही आपका 38 38 जो है वो 100 से क्या है सॉरी 50 से क्या है 12 कम है और अगर ये 50 से 12 कम है तो 38 से 12 कम करेंगे 38 से नहीं करेंगे 50 से जब हम लेते हैं तो हम किससे करते हैं 24 ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव से ट्वेल्व कम करेंगे तो आपका थर्टीन और ट्वेल्व का स्क्वायर वन 12 ट्वेल्व का स्क्वायर वन तो so, ट्वेल्व का स्क्वायर आपका कितना हो गया 144. 144 जोड़ेंगे वन फोर 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 खत्म कुछ ही नहीं ठीक है नेक्स्ट देखिएगा जैसे 36 का निकालना है 36 50 से क्या है 14 कम है अब हमने क्या बताया था अगर कोई नंबर 50 से अगर कम है या ज्यादा है तो उस कंडीशन में बेस क्या लेते हैं ट्वेंटी 25. तो इलेवन 25 तो और बात का ध्यान रखना है और वो आपको ध्यान ये रखना है कि देखिए फोर्टी टू सिक्स टू वन हंड्रेड टेन उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है वो फोर्टी नंबर के स्क्वायर तो आप आराम से निकाल ही सकते हैं उसके अलावा उसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा नंबर दिखता है जो इसके बीच में आता है तो उन नंबर में बस एक ही स्पेशलिटी है कि उनका स्क्वायर थ्री डिजिट में आता है और अगर किसी नंबर का स्क्वायर थ्री डिजिट में आता है तो आपको क्या करना है आप में को एक काम करना है जो भी आपकी थर्ड डिजिट होगी वो आपकी कहां चली जाएगी कैरी कैरी मतलब हासिल में चली जाएगी खत्म <coughs> तो ये आपका हो गया स्क्वायर अब स्क्वायर के तरीके बहुत होते हैं लेकिन आप लोगों के लिए यही दो तरीके बहुत हैं इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है डन है सबको तो फिलहाल आज जो हमने आपसे डिस्कस किया है ये बेसिक चीजें हैं ये एक ऐसी चीजें हैं जो आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये तो आप सबको आना ही चाहिए ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको बेसिक चीजें जैसे स्क्वायर है क्यूब है या स्क्वायर जिसको कोई दिक्कत हो ठीक है तो उम्मीद है सबको डन होगा वेरी गुड ऋषभ सचिन तुषार, तो सागर जितेंद्र वरुण ठीक है डन सबको कोई दिक्कत तो नहीं है बहुत आराम से कर सकते हैं तो चलिए महारथियों आज की आपकी सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत